हमारी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दंबासुर ने कैलाश पर अधिकार करने का अपना कुटिल उद्देश्य पूर्ण करने का दुस्साहस किया है। कैलाश शक्ति का केंद्र है, कैलाश को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो समस्त ब्रह्मांड संकट में आ जाएगा। इसलिए दंभासुर ने अपना अधिपत्य स्थापित किया जिससे वो समस्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। किंतु कैलाश तो हमारा स्थान है, उस पे तो मात्र आपका अधिकार है। कैलाश से उत्पन्न ये शक्ति ने कैलाश को बांधा हुआ है। आपके एक आदेश से इस बाधा का अंत हो जाएगा। हाँ पिताश्री, आपकी शक्ति के समक्ष तो सभी की शक्तियां क्षीण पड़ जाती हैं। इसीलिए आप ही सहजता से इस शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। नहीं गणेश, नहीं कार्तिकेय, कैलाश की शक्ति का संचार मुझसे ही हुआ है और ये शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति के केंद्र से संयुक्त है। इसलिए इसे नष्ट किया तो समूचा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। उचित अवसर की प्रतीक्षा की है दंभासुर ने कैलाश पर अपना अधिकार स्थापित करने की। उसने वही समय चुना जब हम कैलाश से प्रस्थान कर रहे थे। और अब कैलाश की शक्ति से ही इस बाधा का निर्माण कर अपनी सुरक्षा को भी निश्चित किया है उसने, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात है कि हम उसे भेद कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संकट में नहीं डालेंगे। पिताश्री, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। देवताओं की ऊर्जा बार बार इस घेरे से टकराकर संपूर्ण कैलाश को भी नष्ट कर सकती है, और यदि कैलाश को क्षति पहुंची तो ब्रह्मांड की भी हानि होगी। दंभासुर का भाग्य था कि उसने रिक्त कैलाश पर आधिपत्य स्थापित किया, किंतु ये हमारा भाग्य है कि मैं और भैया इस घेरे के भीतर हैं। अब हम दोनों उसका वध कर कैलाश को उसके प्रकोप से मुक्त करेंगे, और इसका अंत होते ही इस अदृश्य मायावी घेरे का भी अंत हो जाएगा। अवश्य गणेश। चलिए भैया, दंभासुर से भेंट कर उसे उचित पाठ सिखाने का समय आ गया है। अनुचित करके किसी और के निवास का अधिग्रहण करने वाले को पाठ पढ़ाना होगा कि सृष्टि के समक्ष एक उदाहरण बन सके कि ऐसा करने वाले की कैसी दुर्दशा होती है। संपूर्ण ब्रह्मा, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर है, पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय। जय बाबा, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, अधिपति हूं मैं कैलाश का, उचित अधिकारी हूं महादेव के सिंहासन का।
पिताश्री ये क्या हो रहा है? संभालिए पिताजी, संभालिए। पिताजी, कैलाश में ये भूकंप कैसा? हाँ, मेरी प्रचंड ऊर्जा भारी पड़ रही है इस पर। मुझ जैसा बलवान अधिपति जो स्थापित हो रहा है यहाँ पर, ये भूकंप मेरे प्रभाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। उचित कह रहे हैं आप पिताजी, आपकी शक्ति नहीं संभाल पा रहा है ये कैलाश। इसकी चिंता हमें नहीं, उन देवताओं को करनी चाहिए जो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे समक्ष अपने शीश झुकाने को बाध्य होंगे। ये भूकंपन शुभ संकेत नहीं है। देवताओं की ऊर्जा से संपूर्ण कैलाश कंपित हो उठा है, तो दंभासुर भी अवश्य सचेत हो ही गया होगा। भैया, आसुरी प्रवृत्ति क्रोध और अहंकार के वश में होने के कारण बुद्धि की शत्रु होती है, और असुरों की ये बुद्धिहीनता ही सदैव उनकी पराजय और विनाश का कारण बनती है। दंभासुर पर दंभ का इतना मत छाया होगा कि चिंतित होने के स्थान पर कदाचित इस भूकंपन को वो अपनी शक्ति का ही प्रभाव मान बैठा होगा। चलो फिर, दंभासुर का ये भ्रम हम तोड़ देते हैं। हम देवताओं की शक्तियां व्यर्थ हो रही है सुरक्षा घेरे के विरुद्ध। क्या करूं, इसे कैसे खंडित करेंगे हम? पुत्रो, ब्रह्मांड के स्वामी बनेंगे हम। त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम, त्रिमूर्ति होंगे हम। अब हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान लेंगे। पिताजी, समस्त ब्रह्मांड की सत्ता अब हमारी होगी। हाँ। अनंत काल तक स्थापित रहेगा हमारा असुर साम्राज्य। उचित कह रहे हो पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु महेश इनका स्थान अब हमारा होगा, केवल हमारा। पुत्र कार्तिक, पुत्र गणेश, जो भी करना सावधानी से करना, अपने आप को सुरक्षित रखना। भैया, कैलाश में होने के कारण दंभासुर अभी अत्यंत शक्ति संपन्न हो चुका है, इसीलिए उसे शक्ति से नहीं चतुराई से पराजित करना होगा। हमें सर्वप्रथम उसे भवन के बाहर आने के लिए प्रेरित करेंगे हम, फिर मैं उसे उलझा लूंगा, तब आपको अवसर प्राप्त होगा और आप उसके अन्य असुरों को भी बाहर निकाल दीजिएगा। बस फिर कैलाश की शक्ति पर उसका नियंत्रण समाप्त होगा और ये सुरक्षा घेरा स्वयं मिट जाएगा। अनुज सेनापति गणेश, योजना तो अति उत्तम है तुम्हारी, किंतु इन असुरों को हम बाहर लाएंगे कैसे? अग्रज सेनापति कार्तिके, उसकी योजना है मेरे पास। भैया, आपको गिल्ली डंडा की क्रीड़ा भाती है ना? गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा? हाँ भैया,
हाँ मूषक जी, गिल्ली डंडा। प्रभु, ये तो बहुत आनंददायक क्रीड़ा है। क्रीड़ा भी और युक्ति भी। कभी कभी सरल युक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। चतुर 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 ज्ञानी। पिताजी, ब्रह्मांड की समूची शक्ति के केंद्र कैलाश पर अधिकार करने की आपकी योजना अति उत्तम थी, जिसकी सफलता ने हमें सर्वशक्तिशाली बना दिया है। ये कैसी ध्वनि है? कहां से आ रही है ये ध्वनि? पिताजी, ये तो बहुत दूर से आ रही है। शीघ्र देखो पुत्रो, कहीं ये उन दुष्ट देवताओं का कोई छल तो नहीं। ये दोनों और क्या कर रहे हैं यहां? ये तो महादेव के पुत्र हैं। महादेव के पुत्र? आश्चर्य, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? यहां कैसे प्रवेश किया इन दोनों ने? संकट, संकट का संकेत है ये दोनों। दोनों यहां हैं तो पुनः कैलाश पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करेंगे। हमें सावधान रहना होगा पुत्रों। चिंता छोड़िए पिताजी, ये तो मात्र बालक हैं। चिंता तो इन्हें होनी चाहिए। किंतु ये यहाँ कर क्या रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये जानना अति आवश्यक है भैया। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ। समझा मैं, ये बालक तो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रीड़ा में मस्त हैं। हमसे युद्ध नहीं कर सकते ये, गिल्ली डंडा ही उचित है इनके लिए। पिताश्री, आपके ये दोनों महान पुत्र इन महादेव पुत्रों को अभी क्रीड़ा सिखा कर आते हैं। ऐसी क्रीड़ा सिखाएंगे इन्हें कि सीधा कैलाश के बाहर फेंक देंगे। जाओ पुत्रो और इन दोनों से शीघ्र छुटकारा पाओ। जाओ। जी पिताश्री। अब मेरी बारी है भैया। अच्छा, उचित है गणेश। ए बालकों, यहाँ क्या कर रहे हो? देखना भैया, इस बार मेरी गिल्ली आपसे कहीं दूर जाएगी। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। ए बालकों, सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये क्या है? इतना विशाल का है मयूर? कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटता हूं।
गिल्ली तो मैं ही पकड़ूंगा मयूर जी। गिल्ली तो मैंने पकड़ ली, किंतु मयूर जी मुझसे टकराने वाले हैं। बच गया मैं। ये लीजिए प्रभु, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर गिल्ली लेकर आया हूँ मैं। उत्तम, अति उत्तम मूषक जी। बड़ी विचित्र क्रीड़ा है ये, इसमें मयूर और मूषक भाग ले रहे हैं। ये लीजिए भैया, अब आप प्रयास कीजिए, देखते हैं आपकी गिल्ली कितनी दूर जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ, हमारे प्रश्नों को उत्तर क्यों नहीं देते? अरे मैं कह रहा हूँ उत्तर दो, तुम्हारी उद्दंडता का दंड देना ही होगा तुम्हें, अन्यथा। ये सब क्या है? वाह भैया, वाह मुशक जी, इस बार भी गिल्ली मैं ही लपूंगा। अरे इस बार तो मयूर जी गिल्ली ले गए। बहुत हुई ये क्रीड़ा दुष्टों। बस रोको अपनी इस क्रीड़ा को। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। अरे मूषक जी पकड़िए, मूषक जी गिल्ली। ये सब क्या हो रहा है ये सब? प्रथम पूज्य श्री गणेश और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय दोनों का कोई समाचार नहीं, आशा करता हूँ वो दोनों वहां कुशल होंगे। महादेव, नारायण, ब्रह्मदेव, प्रत्येक बार ये ऊर्जा इस अदृश्य घेरे से टकरा कर लौट रही है, ये कैलाश के और भी समीप होती जा रही है। आपकी चिंता उचित है देवराज, किंतु अभी हमारी प्रतीक्षा करना ही उचित है। हमने यदि इस सुरक्षा घेरे को खंडित करने का प्रयत्न किया तो भी उसका परिणाम हानिकारक ही होगा। हाँ नारायण, इस समय हमारी शक्ति कैलाश को मुक्त कराने के स्थान पर उसे क्षति ही पहुंचाएगी। बड़ी आनंददायक स्पर्धा है ये, अब मेरी बारी है ना भैया? देखिए मेरी गिल्ली कितनी दूर जाती है। कितने भी प्रयास कर लो गणेश, किंतु तुम्हारी गिल्ली मुझसे अधिक आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस बार मैंने अपनी सर्वाधिक शक्ति जो लगाई थी। अच्छा, तब तो यही उचित होगा कि मैं भी अपनी सर्वाधिक शक्ति लगाऊं। आपका आकार मुझसे बड़ा है, इसलिए अधिक शक्ति लगा पाते हैं ना आप? तो लीजिए मैं भी बढ़ा लेता हूँ अपना आकार। अरे ये क्या, इसने अपना आकार इतना कैसे बढ़ा लिया? राधाश्री, ये बालक तो मायावी प्रतीत होता है। ए बालकों, बस बहुत हुआ। कदाचित अभी मेरा आकार पर्याप्त नहीं है, एक क्षण रुकिए तो भैया। हाँ अब उचित है। ए बालक, ये आकार बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को हमारे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। और हाँ, होगे तुम शिव पुत्र होगे, पर हम लोग भी दंभासुर पुत्र हैं।
वैसे भी अब तुम्हारे पिता कैलाश के स्वामी नहीं रहे, कैलाश के स्वामी तो हमारे पिता दम्भासुर है। हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और अपना खेल भी खेलेंगे, अब देखना कितना मजा आता है। मेरे पुत्र अभी तक लौटे नहीं, क्या हो रहा है वहां? कैलाश के सिंहासन पर विचार करता हूं। मेरी शक्ति को नहीं सह सकेगा ये सिंहासन। उचित है, यहीं से शुभ सूचना प्राप्त करने की प्रतीक्षा करता हूँ। कैलाश का स्वामित्व प्राप्त करते तुम्हारे पिता दम्भासुर तो महादेव के आसन पर स्थित होते, किंतु वो तो सेवकों के समान सोपान पर स्थित होने पर विवश है। हमारे पिता का अपमान कर रहा है ये बालक। महादेव का आसन ग्रहण करने का साहस कहाँ है उनमें? ऐ बालक, अनुचित है तुम्हारा कथन। छोड़ो इन्हें गणेश, आओ क्रीड़ा करें। हाँ भैया, किंतु मुझे तैयार तो होने दीजिए। जहाँ इच्छा होगी वहाँ स्थान लेंगे पिताजी। कैलाश के स्वामी है वो, किंतु तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा विचित्र प्रश्न है ये, देखते नहीं गिल्ली डंडा की क्रीड़ा कर रहे हैं हम। अरे अरे गणेश, ये क्या, आकार तो बढ़ा लिया तुमने किंतु अब डंडा छोटा रह गया। अब इतने छोटे डंडे से तुम अधिक बल कैसे लगा पाओगे? हाँ उचित कह रहे हैं आप भैया, मुझे बड़े डंडे की आवश्यकता है, किंतु बड़ा डंडा यहाँ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बड़ा डंडा, यहाँ तो कोई बड़ा डंडा दिख ही नहीं रहा। हाँ ये उचित है। अरे भ्रातश्री संभल के, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अरे ये बालक क्या कर रहा है? लीजिए भैया, बड़ा डंडा भी ढूंढ लिया मैंने। अरे ये क्या कर रहे हो दुष्ट बालक, नीचे उतारो मुझे, डंडा नहीं हूँ मैं। भ्रातश्री संभल के। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। भ्रातश्री आप चिंता मत कीजिए, मैं ये गिल्ली को ही हटा दूंगा। अरे कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रुको बालक। अरे रुको, लो गणेश, अब मैं इस गिल्ली को पुनः तुम्हारी ओर भेज देता हूँ। ये मेरे पुत्रों की चित्कार क्यों सुनाई दे रही है मुझे? अरे ये उचित नहीं है। लो गणेश, फिर आ गई गिल्ली तुम्हारे पास, पुनः इस बार और दूर भेज दो इस गिल्ली को। वाह भैया, इस गिल्ली डंडा में तो और भी आनंद आ रहा है,
कष्ट हो रहा है मुझे, छोड़ो मुझे। देखूं तो सही क्या हो रहा है वहां। ये कंदूक कहां से आ गई यहां? ये शिव पुत्र इतना विशाल काय कैसे हो गया? ये लीजिए भैया, अब आपकी बारी। मेरे दोनों पुत्र सुंदर प्रिय और विषय प्रिय कहां है? ये तो कंदूक नहीं है, ये तो कोई जीवित प्राणी है। इसके तो हाथ पांव हैं। बड़ी आनंददायक क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे ये तो मेरे पुत्रों से क्रीड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरे पुत्र हैं वो, क्रीड़ा की सामग्री नहीं। सैनिको कहाँ हो? शीघ्र जाओ, वो दुष्ट शिव पुत्र तुम्हारे युवराजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जाओ सुंदर प्रिय और विषय प्रिय की रक्षा करो। गणेश सावधान, अपने पीछे देखो। क्या हुआ बालक? सैनिकों को देखकर प्राण सूख गए तुम्हारे? अब शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन है कैलाश का स्वामी। अच्छा तो ये भी देख लेते हैं असुर जी। हम अपने स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? युद्ध करना है तो अपने किसी अस्त्र से करो। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही आपको इस दुष्ट बालक के हाथों से मुक्त करवा दूंगा मैं। अरे देख क्या रहे हो सैनिकों, आक्रमण करो ये दुष्ट बालक पे। जाओ ऐसे तो भ्राता श्री को कष्ट होगा। अरे ये तो हमारी बार हो रहा है, अपना बचाव करना होगा हमें। मेरे पुत्र की ऐसी दुर्गति कर रहे हैं ये शिव पुत्र। अरे रुको मूर्खो, अपने वार से ज्येष्ठ सुंदर प्री को आहत कर रहे हो तुम लोग, रुको। दुष्ट बालक, मैं करूंगा तुम्हारी दुष्टता का अंत। मेरी बाणों को नष्ट करने वाला कि दूसरा बाण कहां से आया? शिव पुत्र धनुष बाण लेके खड़ा है। अरे छोड़ दो मुझे, अरे डंडा नहीं हूं मैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं अब।
नियंत्रण के बाहर है। अब आपको ही कुछ करना होगा पिताश्री। मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्रों को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। प्रभु, ये कैसा अनिष्ट छाया है कैलाश पर। जो भी है मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। ये कैसा कंपन है आकाशमान। ये कैसी गड़गड़ाहट हुई? क्या कोई अन्य संकट प्रकट हो रहा है अब? ये भयंकर ध्वनि कैसी है? क्यों और कहां से उत्पन्न हो रही है ये ध्वनि? इस वृक्ष को क्या हुआ? इस प्रकार ये हिल क्यों रहा है? हाँ गणेश, इसका कोई कारण तो दिखाई नहीं देता, फिर अचानक हुआ क्या है इसे? ऐसा कैसे संभव है कि एक स्वस्थ वृक्ष अचानक मध्य से दो भागों में स्वयं विभाजित होकर गिर पड़े? हाँ गणेश, मैं भी चकित हूँ। क्या रहस्य है इसके पीछे? अब तो वृक्ष का दूसरा भाग भी गिर रहा है। भैया सावधान। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, सावधान। पीछे हट जाओ गणेश। गणेश, पुत्र कार्तिक, तुम दोनों कुशल तो हो ना? ये क्या है मेरे मार्ग में? ये कैसी अदृश्य बाधा जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्या हुआ माँ? पुत्र, कोई अनिष्ट बाधा मुझे तुम्हारे पास आने से रोक रही है। कैलाश के मार्ग में बाधा? जो महादेव और माता पार्वती का मार्ग बाधित कर रही है। कैसे संभव है ये? इतना दुस्साहस कौन कर सकता है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं देखता हूँ इसे। बाधा तो अवश्य है, किंतु बाधाओं को नष्ट करना आता है मुझे। धीमहि
ये कैसी अदृश्य बाधा है जिसे मिटाने में भैया भी असमर्थ हो रहे हैं? पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल होगी। पक्षी भी भेद नहीं सका इस बाधा को, उसे टकराकर अपने प्राण गवा बैठा। मां, मैं अवश्य नष्ट करूंगा इस बाधा को। पक्षी भी पार नहीं कर पा रहे हैं इसे। ये बाधा तो हमारे अनुमान से भी अधिक भयंकर प्रतीत होती है भैया। जो भी हो रहा है अनुचित, किसी महासंकट की पूर्व सूचना ही है। विश्वास नहीं होता, कैलाश को कौन बाधित कर सकता है? महादेव कैलाश पर स्थित नहीं रहे तो सृष्टि पर संकट आ सकता है। पक्षियों का समूचा झुंड आ रहा है। ये भी कहीं इस बाधा से टकरा कर इनके प्राण भी नष्ट हुए तो इस बाधा की शक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ये क्या हो रहा है ना? ये किसका तो साहस है? ये पक्षी भी प्राणहीन होकर मेरे पुत्रों के समीप गिर गए जो अज्ञात बाधा के उस पार है, और हम इस पार। कुछ करिए नाथ, इस संकट को दूर करिए। हम कैलाश जा रहे थे, तोतला जी वहाँ पहुँचे, हम दोनों आगे बढ़े, फिर वो वृक्ष दो भागों में बटा, उसके दोनों भाग भिन्न दिशाओं में गिरे, तो इस बाधा के निर्माण से ही वो वृक्ष विभाजित हुआ और पक्षी भी उसी से टकरा कर गिरे। अर्थात ये बाधा अदृश्य सुरक्षा घेरा है जिसके एक ओर हम हैं और दूसरी ओर पिताश्री, माँ और अन्य देव, अर्थात हमें कोई कैलाश पहुँचने से रोकना चाहता है, किंतु कौन है वो? दम्भासुर का दम्भ है, उसकी शक्ति का शंभ। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है, केवल असुरों का, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा आधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। माँ, आप पीछे हट जाइए, मैं अभी इस अदृश्य बाधा के घेरे को ध्वस्त करता हूँ। गणेश, ये वायु प्रवाह तो हम पर ही लौट कर आ रहा है। मेरे पुत्र गणेश की शक्ति भी असफल हो गई। गणेश की दिव्य शक्ति को विफल करने वाली कैसी शक्ति है ये? ये कैसे संभव है? प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की शक्ति भी इस अदृश्य बाधा से टकरा कर वापस लौट गई। तब इसे भेदने का क्या उपाय हो सकता है? आश्चर्य, ये कैसे संभव है? क्या है ये शक्ति? अब इस समस्या का निवारण मैं ही करूंगा, मैं ही मिटाऊंगा इस बाधा को। स्वामी, महादेव आप कदापि चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए।
हम सभी अपने संयुक्त प्रयास से इस समस्या का कोई ना कोई निवारण ढूंढ ही लेंगे। प्रभु कृपया मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सेनापति कुमार कार्तिके, आप लोग कृपया एक और हो जाइए। ये जो भी शक्ति है हमारी सम्मिलित शक्ति का सामना कदापि नहीं कर पाएगी। देवगण तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम हम अपनी संयुक्त शक्ति से इस अदृश्य बाधा को ध्वस्त करेंगे। उसके पश्चात हम उसका अंत करेंगे जिसने इस बाधा को यहां स्थापित किया है। अवश्य इंद्रदेव, इस दुस्साहस का उचित दंड देंगे उसे। एक भाग ही भेज सका इस सुरक्षा घेरे को, शेष ऊर्जा तो हमारी ही हो रहा है। ये तो और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। देवगण सावधान! तो ये हमारी लक्ष्य रहित ऊर्जा और विनाश करेगी। पर्वतों और शिलाओं से टकराकर नष्ट कर रही है उन्हें हमारी ऊर्जा। देवताओं की ये ऊर्जा तो कैलाश के केंद्र की ओर जा रही है। यदि ये कैलाश के केंद्र से टकरा गई तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। कैलाश तो अब सुरक्षित है, किंतु ये हमसे क्या हो गया? हमारी ऊर्जा इस घेरे से बंध कर इसके अनेकों सिरों से टकरा रही। ये तो समस्या सुलझने के स्थान पर और विकट हो गई इंद्रदेव। हाँ, इस प्रकार तो हमारी ऊर्जा कैलाश के विध्वंस का कारण बन सकती है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा, और इस समस्या का मूल कारण हम देवता होंगे। कैलाश के केंद्र को इस ऊर्जा से रक्षित करना होगा, किंतु क्या उपाय है इसका? स्पष्ट है, कैलाश के चारों ओर एक शक्तिशाली अदृश्य बाधा का घेरा है। हाँ महादेव, जिसके कारण देवताओं की इस ऊर्जा का भयंकर परिणाम हो सकता है। वो ऊर्जा बार बार लौटने पर विवश है, कदाचित वो कैलाश के केंद्र पर भी लक्षित हो सकती है। फिर तो सर्वनाश हो जाएगा नारायण। यदि कैलाश क्षतिग्रस्त हुआ तो संपूर्ण सृष्टि क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, परिस्थिति को समझे बिना कुछ भी करने से संकट और बढ़ जाता है। शक्ति का प्रयोग भी बुद्धि से करना ही उचित है। इसलिए इसका कारण समझकर मुझे ही कुछ करना होगा। शीघ्रता से बिगड़ती जा रही है महादेव, आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो ऊर्जा आप देवताओं ने उत्पन्न की वो इस घेरे को नष्ट ना कर सकी, अपितु उसका एक भाग इस घेरे में बंध गया। यही कारण है इस संकट के उत्पन्न होने का।
महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण यह समस्या और भी बड़ी हो गई। प्रभु इससे पूर्व की एक समस्या और भी बड़ी हो जाए, आप ही कृपया कुछ कीजिए। हाँ प्रभु, इस समस्या का समाधान शीघ्र करना अति आवश्यक है। मैं यहां खड़े रहकर यह सब नष्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं ही कुछ करता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस घेरे को नष्ट करके ही रहूंगा। रुको कार्तिकेय, देवताओं की ऊर्जा पूर्व में ही इस अदृश्य घेरे से टकराकर अनिष्टकारी हो रही है। तुम्हारे प्रहार से और नष्ट हो सकता है, कैलाश संकट में आ सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा का प्रहार मत करो। किंतु ये कैसी शक्ति से उत्पन्न हुई बाधा है पिताश्री, जिसे हम में से कोई नहीं भेद पा रहा है? गणेश का प्रश्न उचित है महादेव। इस अपराजय शक्ति के पीछे जो रहस्य है उसे शीघ्र ज्ञात करना होगा। हाँ महादेव, अब और विलंब उचित नहीं है। अधिपति मैं हूँ, केवल मैं, और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक पर हमारा अधिपत्य स्थापित होगा, केवल हमारा। दंभासुर, दंभासुर ही है इस सब के पीछे। दंभासुर का दम इस अनिष्ट का कारण है। दम से उत्पन्न दंभासुर ने कैलाश पर अपना स्थान स्थापित कर लिया है। दंभासुर, ये दंभासुर कौन है? दंभासुर एक असुर, वो इतना दुस्साहसी कैसे हो गया कि उसने कैलाश पर ही आक्रमण कर दिया, और हम सभी की शक्ति को उसने परास्त कैसे कर दिया? दंभासुर ने कैलाश की शक्ति से ही कैलाश को बाधित किया है। किंतु पिताश्री, ये दंभासुर है कौन? ब्रह्मदेव का अंश है दंभासुर, ब्रह्मदेव का अंश है दंभासुर। ब्रह्मदेव का अंश है ये दुस्साहसी असुर? हाँ पुत्र, ये उस समय की घटना है जब ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता होने का दंभ हो गया था। वो स्वयं को श्रेष्ठतम देवता मान बैठे थे। नारायण नारायण। प्रणाम पिता श्री ब्रह्मदेव। वैकुंठ में गया था श्री हरि नारायण के करने दर्शन, तो मन में विचार हुआ एक उत्पन्न, क्यों ना आपका भी कर लूं अभिवादन। बस चला आया। नारायण नारायण। नारायण के दर्शन, उससे क्या लाभ होगा तुम्हें? सर्वप्रथम तुम्हें
मेरे दर्शन करने चाहिए थे देवर्षि नारद। तो ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु आप, महादेव, श्री हरि नारायण, आप तीनों हैं त्रिदेव। तीनों में मैं करता नहीं कभी भेद। आप तीनों मेरे लिए है समान, इसीलिए संपूर्ण भक्ति भाव से करता हूँ तीनों का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, महाज्ञानी हूँ मैं। त्रिदेवों का भाग नहीं, उनसे उच्च हूँ मैं। ब्रह्मदेव हूँ मैं, ब्रह्मदेव। पिताश्री, ये कैसे भाव हैं आपके? ये क्या कह रहे हैं आप? सृष्टि का रचयिता हूँ मैं, स्वयंभू हूँ मैं, वेदों का कारक हूँ मैं, तुम और संपूर्ण जीवों के जीवन का आधार हूँ मैं, सर्वोच्च भगवान हूँ मैं। इसलिए फिर कभी मुझे त्रिदेवों का भाग बुलाने की भूल कदापि ना करना। ये आपका नहीं, आपके दम का स्वर है ब्रह्मदेव। महादेव यहां? कहां है महादेव? दंभ मुझे नहीं, आपको है महादेव। स्वयं को सर्वोच्च जो मानते हैं आप, इसीलिए मेरे सत्य वचन आपको नहीं भाए और आप यहां चले आए। मैं पुनः कह रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं मैं, सर्वशक्तिशाली हूं मैं, सर्वोत्तम हूं मैं, क्योंकि मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही महाज्ञानी हूं। महादेव और नारायण से अनेकों गुणा उत्तम हूं। आपके वचन यदि सत्य हैं, तो आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य ज्ञात होंगे। निसंदेह ब्रह्मांड का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका रहस्य मुझे ज्ञात ना हो। तब तो आप इस खम का आरंभ और अंत भी अवश्य ढूंढ सकेंगे। इसमें कौन सी कठिनाई है, ये तो मैं अभी ज्ञात कर लेता हूं। दिखाई क्यों नहीं देता? इसका तो जैसे कोई और छोरी नहीं है। ऊपर ले चलो मुझे। ब्रह्मांड की ऊंचाई में भी इसका आरंभ नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य है, ये खंभ तो अनंत है, किंतु महादेव को उत्तर तो देना ही होगा मुझे, अन्यथा मेरा अपमान होगा। वैसे भी जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं ज्ञात, वो उन्हें भी ज्ञात नहीं हो सकता। इस खंभ का आरंभ और अंत दोनों ढूंढ लिया है मैंने। पुनः विचार कर लीजिए, आप सत्य कह रहे हैं ना ब्रह्मदेव? मेरे शब्दों पर अविश्वास करने का दुस्साहस कर रहे हैं आप महादेव। मैंने जो कह दिया वो सत्य ही होता है। प्रणाम प्रभु। ये क्या, इस खंभ में आप ही स्थित थे? तो क्या मुझे अपमानित करने के लिए ये छल किया था आपने? मेरी परीक्षा लेने आए थे, किंतु आप मेरी परीक्षा लेने वाले होते कौन हैं? ब्रह्मदेव हूं मैं, सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली परम ब्रह्म हूं मैं। आप अपना परिचय दीजिए। महादेव से ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मदेव? विकुपति हो गए तो? काल भैरव हूं मैं, काल भैरव हूं मैं।
करता हूं मैं, अहंकार का भक्षण करता हूं मैं। सृष्टि के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता। अहंकार का मिट जाना ही सर्वथा उचित है। मैं आपको आपके अहंकार का दंड अवश्य दूंगा। मैं आपका पंचम शीश आपके शरीर से विलग कर दूंगा। दंभ युक्त शीश की आवश्यकता नहीं आपको। यह दंभ स्वयं का शत्रु होता है। यह है आपका दंड परम परमेश्वर से स्पर्धा करने का। ब्रह्मदेव के दम रूपी उनके उसी शीश के भस्म से कालांतर में दंभासुर नामक असुर का जन्म हुआ। फिर तो दंभासुर बहुत ही शक्तिशाली असुर होगा। हाँ, और वो अकेला नहीं, उसके दो शक्तिशाली पुत्र भी हैं। सुंदर प्रिय के बाहुबल के समक्ष कोई भी पर्वत नहीं टिक सकता। अत्यंत बलशाली योद्धा है विशालकाय सुंदर प्रिय। उसकी अपार शक्ति की अनेकों गाथाएं हैं। अरे ये क्या, ये दोनों पर्वत तो जुड़कर मेरी ही ओर आ रहे हैं। नहीं नहीं, निष्फल हो गया। तो ये तुम्हारी माया है विषप्रिय। मैं अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, बंद करो अपनी माया, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। भ्राताश्री, अभी आपने देखा ही क्या है भ्राताश्री, मेरी माया का प्रदर्शन अभी शेष है। ये आपका सौभाग्य भ्राताश्री, ये मायावी विषयप्रिय आपका भाई है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप
सुरक्षित हैं। अति उत्तम पुत्रो, तुम दोनों मेरा गर्व, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार हो, दंभासुर के दंभ का आधार हो। तुम दोनों की शक्ति से मैं त्रिलोक विजय कर सकता हूँ। अवश्य पिताश्री, अवश्य। एक ओर कैलाश पर असुरों का आधिपत्य, तो दूसरी ओर देवताओं द्वारा छोड़ी ऊर्जा शक्ति जो कभी भी कैलाश से टकराकर उसे नष्ट कर सकती है। हमें यथाशीघ्र कैलाश को इन दोनों संकटों से मुक्त करना होगा। कोप से नहीं बच पाएगा न यक्ष न गंधर्व, और दम भी दक्ष तुम भी नहीं। दिव्य शक्तियां रक्षा कर रही है मेरी। अब तुम हमें नहीं रोक सकोगे। अरे ये क्या, हमारे प्रहारों का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। बहुत हुए तुम्हारे वार, अब हम करेंगे तुम्हारा संहार। जय काली। यज्ञ वेदी की ऐसी अशुद्धि के बाद अब यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यज्ञ पुरुष, पाप के भागी तो आप भी बने थे, इसलिए दंड के भागीदार आप भी हैं यज्ञ पुरुष। संकट तो मुझ पर भी छाया है, कहां जाऊं, कैसे बचाव करूं अपना। मुझे तीव्रता से निकलना होगा। कोई भी रूप धारण कीजिए, मुझसे बच के नहीं भाग पाएंगे। मुझे और तीव्र वेग से भागना होगा। कहा था ना मुझसे बच के नहीं भाग सकते। भागो। प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारा काल आ रहा हूं। इंद्रदेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। क्षमा कीजिए वीरभद्र, किंतु प्रजापति है वो, और मैं आपको उनका वध करने कदापि नहीं दूंगा। अन्यथा इस संसार की नियमित व्यवस्था भंग हो जाएगी, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। तो सर्वप्रथम आप ही का अंत करूंगा मैं। अपराध तो आपने भी किया है, भागीदार तो आप ही हैं। दक्ष ने देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, और आप मौन होकर देखते रहे। भीरू है आप? मैं भीरू नहीं हूं प्रभु, अपने कर्तव्य से बाध्य हूं। <स्थ
ये विद्युत ऊर्जा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रही, अपितु और क्रोधित कर रही है मुझे। देवराज इंद्र, आप अपनी रक्षा कीजिए। अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा मैं वीरभद्र जी पर। देवराज इंद्र, आप इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। इंद्रदेव जी को मूर्छित कर दिया वीरभद्र जी ने। मुझे अपने बचाव के लिए नारायण से गुहार लगानी चाहिए। नारायण, नारायण, प्रभु नारायण। नारायण, आपने मेरी और मेरे इस यज्ञ में सबों की रक्षा करने का वचन दिया है। नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरी। निसंदेह मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए प्रजापति दक्ष, परंतु आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। शिव का अपमान किया है आपने, जो किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी ऊर्जा का संचारण करते हैं। शिव का तिरस्कार करके यज्ञ पूर्ण करने की चेष्टा किया है आपने, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो ये दोनों शीघ्र मुझ तक पहुंच जाएंगे। आराध्य आप मेरे प्रभु, अपने भक्त की रक्षा कीजिए। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है नारायण, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। नारायण, रक्षा कीजिए मेरी। प्रजापति दक्ष, ज्ञान से परिपूर्ण है आप, परंतु आपके ज्ञान पर आपके अहंकार का अंधकार छाया है, इसलिए ये भी नहीं समझ पाए आप कि मैं और शिव एक ही है, हम में कोई भेद नहीं। इसलिए जो शिव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, तो आप मेरे भक्त होकर शिव के प्रति इतना द्वेष कैसे रख सकते हैं? ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप कि बारंबार उनका अपमान करने के पश्चात भी आप सुरक्षित रहेंगे? अब आपके कारण केवल विनाश आपका ही नहीं होगा, उन निर्दोष देवताओं का भी होगा जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। जो अगर अपने कर्तव्य से ना बंधे होते तो केवल शिव का ही साथ देते। वीरभद्र और महाकाली उन्हें भी अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करेंगे। प्रभु, आपने रक्षा करने का वचन दिया था मुझे, आपको स्मरण है ना प्रभु? आपको वचन दिया था मैंने कि रक्षा करूंगा आपकी, इसलिए आपका साथ देकर उसे टालने का प्रयत्न करने के लिए विवश हूं मैं, जिसे कोई नहीं टाल सकता। आपके अहंकार ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाल दिया है दक्ष। वीरभद्र, नारायण आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं।
वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं, प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं, और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष आपका भक्त अवश्य है। महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया, अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूँ। और मैं उनकी रक्षा के लिए, स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए कीजिए मुझसे युद्ध। संभव है। नारायण, ये तो मेरा भी प्रतिशोध है। नारायण, इस संघर्ष से आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए अवरोध मत बनिए। प्रजापति दक्ष, यदि मैं इसी प्रकार इन्हें रोकता रहा तो हम तीनों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी, जो मैं नहीं होने दे सकता। किंतु आप अपना वचन कैसे भंग कर सकते हैं नारायण, कैसे भंग कर सकते हैं? जिस यज्ञ की रक्षा का मैंने वचन दिया था वो तो कब का अपवित्र हो चुका है। यदि आपकी सुरक्षा के लिए मैं युद्ध करता रहा तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी, इसलिए एक बड़े उद्देश्य के लिए मुझे आपका परित्याग करना होगा। नारायण, 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 यह आपने उचित नहीं किया। नारायण, आपने उचित नहीं किया। ये क्या हो रहा है, ये सब क्यों जा रहे हैं? ये दोनों रक्त पिपासु बड़े आ रहे हैं मेरी ओर। कदाचित वीरभद्र और महाकाली मेरा रक्त पान करके ही शांत होंगी। मुझे शीघ्र यहां से निकलना होगा। महादेव का अपराधी दंडित अवश्य होगा प्रजापति, भागने का कोई लाभ नहीं।
अहंकारी दक्ष भागकर कहां जाओगे? भागो जितना भाग सकते हो। समीप अहंकारी दक्ष प्रजापति, नहीं छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो तुम्हें, छोड़ दो मुझे वीरभद्र, छोड़ दो, जहाँ दुष्कृत किया तुमने वही दंडित करूंगा तुम्हें, छोड़ दो, नहीं 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 वीरभद्र, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो मुझे वीरभद्र, क्षमा कर दो, नहीं 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो मुझे, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, छोड़ दो मुझे, क्षमा कर दो वीरभद्र, मुझे क्षमा कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। वीरभद्र, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। पल से मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र से अकाट्य हूँ। किसी अस्त्र शस्त्र से तुम्हारे शीश को विलग नहीं किया जा सकता, किंतु तुम्हारी देह से तुम्हारा शीश अपने हाथों से विलग तो कर सकता हूँ मैं। जिस कार्य के लिए आपने मेरा आह्वान किया था वो संपन्न हुआ, मुझे मेरे स्थान पर लौटने की आज्ञा दीजिए। प्रभु, जो महादेव के आदेश की अवहेलना करता है वो स्वयं के विनाश को आमंत्रित करता है। उस यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों का ही अंत हुआ, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। ओ
अनर्थ को रोकने में असफल रहा मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। माता का आदेश था, उन्होंने मुझे बाहर रहकर ही प्रतीक्षा करने को कहा था, परंतु जब तक मैं भीतर पहुंचा अनर्थ घट चुका था। दोषी हूं मैं आपका। माता को सुरक्षित न रख सका, आपका अपराधी हूं मैं, माता का अपराधी हूं मैं। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए। महादेव, हम भी आपके अपराधी, कर्तव्य में बंधे होने कारण हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। महादेव, पुत्र मोह में विवश होने से मुझे वहां जाना पड़ा और यज्ञ की मर्यादा से बंधे होने के कारण मैं भी इस अनर्थ को रोक नहीं पाया। मेरी इस भूल को क्षमा करें महादेव। महादेव, हमें कदापि अनुमान नहीं था आपका और माता सती का अपमान होगा, और फिर प्रजापति दक्ष और उनके यज्ञ का तिरस्कार भी तो नहीं कर सकते थे ना प्रभु। हम दायित्वबद्ध थे, हम लज्जित हैं प्रभु। महादेव, परंतु इस पूर्ण घटना का आपके क्रोध का कारण प्रजापति दक्ष का अहंकार था, जिसका अंत वीरभद्र कर चुके हैं। आपसे एक निवेदन है महादेव, पृथ्वी की रक्षा हेतु प्रजापति दक्ष और सभी देवता जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन्हें पुनः जीवित करना होगा, और ऋषि भृगु को भी प्राण दान देना होगा। देव, नारायण का निवेदन स्वीकार कर इस यज्ञ को असफल होने से बचा लीजिए, इसी में जगत का कल्याण है। उचित है ब्रह्मदेव, दक्ष को पुनर्जीवित करूंगा मैं। नारायण, जो हताहत हुए हैं उन्हें जीवन दान दूंगा मैं, किंतु उससे क्या मेरी सती वापस लौट आएगी? उत्तर दीजिए ब्रह्मदेव, उत्तर दीजिए नारायण। जो भी घटित हुआ उसका कारण आपसे भी नहीं छिपा है महादेव। मेरी पीड़ा कोई नहीं हर सकता। महादेव तो महादेव है, वो अवश्य ही
परिस्थिति को समझेंगे। प्रभु, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ, पति और पुत्री दोनों को एक साथ खो दिया। अब इस अपार पीड़ा को हम कैसे सहेंगे पिताश्री? महादेव, यज्ञ की अवधि में प्रजापति दक्ष का अंत अनुचित संदेश देगा। मैं उनका पिता होने के नाते भी आपसे उसकी प्राणों की भिक्षा मांगता हूं। अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे पिताजी? प्रभु, आप दया निधान, मेरे स्वामी को पुनः जीवित कर दीजिए। प्रभु, पुनः जीवित कर दीजिए। वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ, किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीश प्रस्तुत है। इस अजशीश को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। पुनर्जीवित तो हो गए। जीवित हो गए, हम कुशल हैं।
तुम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए, हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर, अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव, अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलीन समझने का अपराध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं, आप तो परमेश्वर हैं दयानिधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम तो वेश भूल जाओ, मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं, हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। सती, मुझे चिंता हो रही है कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ, मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो। नंदी,
पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता। अनादर कैसा स्वामी, अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। खोलो सती, सती, सती। सती, 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 ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? सती, 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 यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। स्वामी के साथ, महादेव के साथ यहाँ आई हूँ। साथ यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी।
पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। हाँ सती, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, आप मुझे एकाकी छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? सती, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ। नहीं सती, नहीं सती, सती, सती मैं तो यहीं हूँ। मैं कहाँ गया? भूल मेरी है। मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे भी साथ आना चाहिए था। महादेव इस प्रकार निराश हो गए तो बहुत बड़ा आहित होगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते, शीघ्र हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं ब्रह्मदेव, इस समय महादेव को उनके दुख के साथ एकाकी छोड़ना ही उचित है, क्योंकि इस समय उन्हें सांत्वना देने से उनका दुख घटेगा नहीं और बढ़ेगा। मुझसे कैसा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, मुझे क्षमा कर। पिताश्री बताइए ना, आप फिर माता सती के देह को लेकर कहाँ गए? स्वामी, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते स्वामी? आप नहीं चलेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। एकमात्र ऐसी विवाहिता स्त्री होंगी मैं जिसके स्वामी उसके साथ नहीं होंगे। नाथ, मेरे पिता मुझसे अथाह स्नेह करते हैं, उनकी सबसे प्रिय संतान हूँ मैं। आप चिंता क्यों करते हैं नाथ? सती, जब तुमने हट किया तो कदाचित मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। अधिक से अधिक क्या होता, तुम्हारे पिताजी मेरा अपमान कर देते और हम यहाँ लौट आते, फिर तुम मेरे साथ रहती। दोष मेरा ही है, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए था। सती, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, किंतु अब तुम्हें यहाँ हूँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें कैलाश लेके जाऊंगा। सती, चलो मेरे साथ। खैर,
कैलाश, मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम, वही तुम्हारा स्थान है। मुझे ज्ञात है कैलाश से कितना प्रेम है तुम्हें। चलो मैं तुम्हें कैलाश लेके चलूंगा। मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, किंतु मैं अपने पिता की पुत्री भी हूँ, इसीलिए मैं वहां अवश्य जाऊंगी। नहीं कैलाश नहीं, जिस स्थान पर तुम मुझे अंतिम बार छोड़कर गई थी, मैं वहां तुम्हें कदापि नहीं ले जाऊंगा। यहां से कहीं दूर एक दूसरे स्थान पर जाएंगे हम, बस हम होंगे वहां, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। तुम्हें किसी को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा, मुझसे दूर नहीं कर सकेगा कोई तुम्हें। चलो सती मेरे साथ चलो। समय मैंने वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जबकि तुम्हारे जाने का कारण मैं बनाऊ मैं। तुम्हारा अपराधी हूं मैं, दंड दो मुझे, दो दंड, किंतु मेरे पास लौटा, लौटाओ मेरे पास सती, लौटाओ मेरे पास। प्रिय तुमने इतने कष्ट कैसे सहन किए, देव का देवी सती के लिए अपार प्रेम उन्हें विक्षिप्त कर देगा। जिन महादेव को किसी का स्नेह बांध न सका, जो महादेव निर्मोही है, वो ही देवी सती का साथ नहीं छोड़ पा रहे। नाथ वो कष्ट में है, आपको जाकर उन्हें शांत करना होगा। स्वामी महादेव ताप की उस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं जिस पीड़ा का अनुभव देवी सती ने प्रजापति दक्ष के यहां किया था। अंतर मात्र इतना है कि देवी सती ने स्वयं का अंत किया था और महादेव पल पल उस हृदय विदारक पीड़ा को सहने के लिए विवश हैं।
स्वर्ग कंपित होता है महादेव के तांडव से। ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। नारायण, नारायण कहीं महादेव का तांडव प्रलयकारी ना हो जाए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, महादेव को शांत कीजिए, रोकिए उन्हें। देवराज इंद्र, महादेव को शांत करने का केवल एक ही उपाय है। महादेव की इस अवस्था में उन्हें सती के शव से दूर करना होगा। किंतु प्रभु, किंतु ये कौन करेगा? महादेव तो माता सती से विलग नहीं होना चाहते, तो ये कैसे संभव है प्रभु? नारायण, इसमें तो एकमात्र आप ही समर्थ हैं। सृष्टि का आधार ही अस्थिर है। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, जगत की रक्षा और कल्याण हेतु मैं विवश हूं। यही उचित समय है। सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 भाग कर दिए, जो पृथ्वी पर जिन भिन्न स्थानों पर जाकर गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई।
मुझे क्षमा कीजिए महादेव। सती के प्रस्थान के बाद मैं गुफा में स्थित एक दीर्घ अंतराल के लिए ध्यान में चला गया। उस समय सती का कंकाल जिस स्थान पर गिरा था वो यही है, और आज इस पावन स्थान पर हमारे विवाह के पश्चात सती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। देवी का पावन शक्ति पीठ है स्थान। इसलिए देवी पार्वती ने अपने तप के लिए इस स्थान का चुनाव किया। और आज हमारे विवाह के बाद पार्वती और मेरा वियोग भी समाप्त हुआ। मैं देवी कामाक्षी अपने भक्तों की मंगल कामना पूर्ण करने के लिए सदैव यहां पर स्थित रहूंगी। दक्षिण में काशी जैसा कोई तीर्थ स्थल नहीं था जहां सभी देवी देवताओं का निवास हो। आज से स्थान कांचीपुरम दक्षिण की काशी के रूप में विख्यात होगा और शक्तिपीठों में प्रमुख होगा कांचीपुरम, जिसकी स्थापना ही मेरे और पार्वती के वियोग, पुनर्मिलन और विवाह का मूल कारण था। वो माँ, बहुत समय से उधर में कुछ नहीं गया ना, तो बहुत भूख लग रही है। अब उचित होगा कि आप सभी देवियां अपने अपने लोग लौट जाएं। मैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ देवी पार्वती और महादेव का साथ कैलाश तक देंगे। तत्पश्चात हम भी अपने अपने लोग लौट जाएंगे। प्रभु, अब हमारे भी आश्रम लौटने का समय हो गया है, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु। मां, चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते हैं। वहां जाकर मुझे तुम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी तो पकाना है। हाँ मां। देखिए भैया, हम कैलाश पहुंचने ही वाले हैं। कैलाश, मेरा स्थान, हमारा स्थान। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए, अब हमें भी अपने अपने लोग लौटना चाहिए। महादेव, महादेव, महादेव,
अल्लाह सती दिया महादेव। तोतला जी यहाँ? तोतला जी वो तलात पर। क्या हुआ कैलाश पर तोतला जी? तलात पर। तोतला जी उठिए। तोतला जी तो मूर्छित हो गए। तोतला जी उठिए। पिताश्री, तोतलागण तो ऐसे आहत है जैसे किसी ने उन पर वार किया हो। तोतला जी को इस अवस्था में किसने पहुंचाया? ऐसा क्या हुआ है कैलाश पर? पिताश्री, ऐसा कौन सा संकट आया है कैलाश पर जिसने तोतला जी को इस आहत अवस्था में वहां से भागकर आने के लिए विवश कर दिया? तोतला क्या हुआ है वहां? बताओ मुझे। तोतला अपने नेत्र खोलो, देखो मुझे। तोतला देखो मुझे। कैलाश पर उत्पन्न होने वाला संकट साधारण नहीं हो सकता। मेरे इस गण की यह दशा किसी बड़े अनर्थ का संकेत है। कैलाश की पावन भूमि पर, समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक सुरक्षित स्थान पर, महादेव और मेरे निवास पर तोतला जी को आहत करने का दुसाहस कोई कैसे कर सकता है? कैलाश असुरक्षित कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है पिताश्री? अब अचानक के वायु प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ? कैलाश पर जो भी घटित हुआ है और अब जो यहाँ घट रहा है, कौन और क्या हो सकता है इसका कारण? भैया संभालिए, अपना संतुलन संभालिए। सुन जी, अब आप सुरक्षित हैं भैया, किंतु ये क्या हो रहा है? कौन अज्ञात शक्ति है ये जो पिताश्री का मार्ग बाधित करने का दुस्साहस कर रही है? प्रभु, ये कैसा अनिश्च छाया है कैलाश पर? जो भी है, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। अवश्य भैया, किंतु अकेले नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। हमारी अनुपस्थिति में कौन सी विपदा आई है कैलाश पर? गणेश और कार्तिकेय पर कोई संकट ना आए? मेरे ही कैलाश में आकर मेरे ही पुत्र को क्षति पहुंचाने का साहस कर रहे हैं ये शिवपुत्र। मैं इन्हें इसका दंड दूंगा। तुम ही अपना आकार बढ़ाने में सक्षम नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूं। कंदूक बनाया था ना तुमने?
देखो इस कंदुक का सामर्थ। अब मेरे पुत्रों से रक्षा नहीं कर पाएंगे ये दुष्ट शिव पुत्र। अब तुम करो मेरी शक्ति का सामना। ये रहा मेरा प्रतिउत्तर। इन दुष्टों को अपनी मायावी शक्ति से ही परास्त करना होगा मुझे। स्वयं को इस विशाल काय कंदुक में परिवर्तित करके ये क्या करने जा रहा है? प्रहार अपना। देवताओं की इस ऊर्जा का यही उचित प्रयोग होगा। विस्फोट मेरे पुत्र गणेश कार्तिक के सुरक्षित तो है ना? मेरे पुत्र, मेरे दम के आधार विषय प्रिय को गिरा दिया इस तुच्छ शिव पुत्र ने। अब ये असुर पराजित हो गए भैया। हाँ गणेश, अब शेष असुरों को भी कैलाश से बाहर करना होगा। अरे ये तो पुनः उठ गए। अच्छा, ये कैलाश चाहिए ना तुम्हें, इसलिए युद्ध कर रहे हो। अगर ये कैलाश का अस्तित्व ही ना रहे तो क्या करोगे तुम लोग? प्रातःश्री, ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो पुत्रों? ऐसे तो कैलाश नष्ट हो जाएगा। We'll be right back.
कैलाश। कौन है वहां? अच्छा, तो अपनी इस क्रीड़ा से छक्का रहे हो मुझे। माँ पिताश्री का स्थान। सुंदर प्रिय, यही उचित अवसर है आक्रमण करने का। भैया, ये क्या हो गया? आक्रमण! जिन असुरों ने हमारे कैलाश को ध्वस्त किया है, अब वो भी नहीं बचेंगे। गणेश, सावधान गणेश, स्वयं को संभालो अनुज। समक्ष कैलाश, पिताश्री महादेव का स्थान, माँ महाशक्ति का स्थान, मेरा और भैया कार्तिकेय का निवास, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति का केंद्र स्थान नष्ट हो रहा है। क्या सोचा था तुमने देव सेनापति शिवपुत्र कार्तिकेय? तुम और तुम्हारा गजमुख भ्राता मिलकर हम दंभासुर पुत्रों का अंत कर सकोगे? देखो, देखो कितना भयंकर परिणाम हुआ है उसका। हमारा स्थान नष्ट हो गया। तुम्हारा भ्राता स्तब्ध खड़ा है और तुम अकेले घिरे हुए हमारी सेना से। एक कुशल और बुद्धिमान योद्धा अकेला ही पर्याप्त होता है। मूर्ख दंभासुर पुत्र, मैं अकेला ही सक्षम हूं तुम्हारे लिए। तुम विजयी हुए नहीं हो और ना ही हो सकोगे। विजय तो हम अवश्य होंगे और अंत भी करेंगे तुम्हारा, और हमारे युद्ध कौशल से भी अभी परिचय हो जाएगा तुम्हारा। सैनिकों, आक्रमण करो इस पर और नष्ट कर दो इसे। उचित है, तुम्हारे जितने सैनिक वार करेंगे मुझ पर, उन सभी का संहार करूंगा मैं। तुम्हारा भी संहार करूंगा मैं। सैनिकों, आक्रमण करो इस बार। हाँ,
सेना को नष्ट कर रहा है। राता सुंदरपुरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कभी न कभी तो थकेगा ये, अवसर मिलते ही इसका वध कर देंगे। सैनिकों, तुम निरंतर इस पर आक्रमण करते रहो, अवसर पाते ही वध कर दो। मूर्खों, जितने सैनिक भेजोगे उतने असुरों का अंत होगा, तुम्हारी संपूर्ण सेना भी नहीं टिक सकेगी मेरे समक्ष। छोटा भाई मानसिक आघात से समाप्त हो जाएगा और बड़े भाई को हमारे असुर सैनिक समाप्त कर देंगे। गणेश अभी भी स्तब्ध खड़ा है। नहीं, हमारा निवास तो खंडित हो रहा है। अनुज, संभालो स्वयं को। नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश, पिताश्री और माँ का कैलाश, और मैं इस प्रकार असहाय खड़ा रहने पर विवश हूँ। चलो पुत्र, अब कैलाश लौट चलते। किंतु कैसे हो गया ये? हम तो यहाँ कैलाश को मुक्त कराने आए थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की रक्षा का दायित्व तुम दोनों पर सिद्ध करें। हाँ माँ, हम हमारे कैलाश को अवश्य मुक्त कराएंगे। और मैंने ये कैसे होने दिया? इतने समय से माँ कैलाश लौटने के लिए आतुर थी, और जब वो लौटी तो उनका निवास कैलाश ही नष्ट हो चुका है। देवताओं और कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। माँ, माँ, माँ! मेरा पुत्र मुझे पुकार रहा है। क्या हुआ उमा? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है स्वामी, किंतु माँ को अपने पुत्र पर आए हुए संकट का आभास हो जाता है। मेरा पुत्र संकट में है। दिया वचन पूर्ण ना कर सका मैं, हमारे निवास कैलाश की रक्षा ना कर सका, सब नष्ट हो गया। आप, भैया, पिताश्री, सभी को निराश किया है मैंने। मैं आप सभी का दोषी हूँ माँ, मैं सफल ना हो सका। ऐसा क्यों कह रहा है गणेश? वो सफल नहीं हो सका? वो कैसे असफल हो सकता है? क्या हुआ है? सभी के विघ्न हरता है, वो इस प्रकार स्तब्ध खड़ा है। मेरा पुत्र गणेश, किंतु क्यों हो रहा है ऐसा? कैलाश नष्ट हो रहा है? पुत्र गणेश, क्या बात है उमा, आप चिंतित क्यों हैं? ऐसा क्या देखा आपने? ऐसा क्या हुआ होगा जो माता इतनी व्याकुल हो उठी? प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कार्तिकेय सुरक्षित तो है ना? ये उचित नहीं, उचित नहीं है ये। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
आदिशक्ति हो, जगत जननी हो तुम उमा, तुम्हारे समक्ष किसी भी संकट का कोई अस्तित्व कहाँ। अब संसार को मेरे एक और अवतार की आवश्यकता है। माँ का हृदय अपनी संतान को कष्ट में कदापि नहीं देख सकता। गणेश को इस स्थिति से बाहर तो उसकी माता ही निकाल सकती हैं। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें इस अवस्था में कदापि नहीं रहने दूंगी। कितना असहाय अनुभव कर रहा हूँ मैं, इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हूँ। नष्ट हो गया कैलाश और मैं कुछ भी करने में असमर्थ रहा। माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिताश्री। गणेश, ये किसने पुकारा मुझे? किसी का भी स्वर हो, अब किसी के पुकारने का या कुछ भी कहने सुनने का क्या लाभ? ये दिव्य प्रकाश कैसा? गणेश, क्या हुआ गणेश? इतने दुखी, इतने चिंतित, इतनी पीड़ा में क्यों हो तुम? मेरी पीड़ा का कारण तो स्पष्ट है, आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति हैं। तो जो हुआ वो आपसे भी छिपा तो नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ है? ये वास्तविकता जो मेरे समक्ष है आपको कैसे नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, देखिए, मेरा कैलाश नष्ट हो रहा है। तुम्हारा कैलाश? हाँ, मेरा कैलाश, मेरे संपूर्ण परिवार का निवास कैलाश नष्ट हो रहा है। इस सत्य से कैसे मुख मोड़ लूं? जिसे तुम सत्य मान रहे हो वो कैलाश कहाँ है? उसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसके नष्ट होने का कष्ट हो रहा है तुम्हें। और पुत्र, उसको खोने का क्या दुख, जिसका अस्तित्व ही नहीं? कैलाश कहाँ है, उसका अस्तित्व ही नहीं है? अर्थात? अर्थात जो है, जो दिखाई देता है, जिसे सभी जीव अनुभव करते हैं, ये संपूर्ण सृष्टि, ये सभी सांसारिक क्रियाकलाप सब माया है। तो फिर इस मायावी संसार में किसी वस्तु या स्थान से मोह का क्या लाभ? जो है वो नहीं है, क्योंकि वो माया है, इसका क्या अर्थ है? मैं कुछ समझा नहीं, आप कौन है? तुम मोह माया में इतने बन चुके हो कि मुझे भी पहचानने में असमर्थ हो रहे हो। जो हो रहा है उसे भूलकर मेरे प्रकाश पर अपना ध्यान केंद्रित करो पुत्र, तो तुम मुझे देखकर जान सकोगे। चेतांसि देवी भगवती ह्रीं सा बलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पुत्र, मैं महामाया हूँ, तुम्हारी माता शक्ति का स्वरूप। देवी महामाया, प्रणाम माँ। नेत्र जिन्हें देख सकते हैं, शब्दों में जिनका वर्णन किया जा सकता है, इंद्रियां जिनका आभास कराती हैं, वो जीव जंतु पेड़ पौधे गृह सभी मेरी ही मायावी शक्ति से रचित है। यदि सभी कुछ माया है तो मुझे दिखाई क्यों देता है? माँ महामाया, ऐसा आभास क्यों होता है? जैसे यही सत्य है, जैसे अभी मुझे अपना निवास स्थान कैलाश मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसे तुम अपना कैलाश कह रहे हो वो भी माया ही है, क्योंकि सत्य तो एकमात्र आत्मा है, जिसने जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी इन पंच तत्वों से तुम्हारे तन और मन रूपी माया के आवरण को ओढ़े हुए एक आकार ले लिया है। किंतु एकमात्र आत्मा ही ब्रह्म है, उसके सिवाय सब माया ही। किंतु मैं सभी कुछ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, कैलाश का नष्ट होना, मेरे भैया का अकेले असुरों से युद्ध करना, यदि ये माया है तो सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है माँ? पुत्र, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुमने अपनी चेतना को अपने नश्वर शरीर से जोड़ लिया है। अपने हाथों को देखो पुत्र,
तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मेरी उंगलियां, मेरे हाथ। अब अपने नेत्र बंद करो पुत्र, अपनी इंद्रियों से अपना ध्यान हटाओ और अपने अंतर में स्थित अपने परब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित करो। हमारा निवास तो खंडित हो रहा है, नष्ट हो रहा है हमारा कैलाश। माँ, 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 पुत्र गणेश। अब अपने नेत्र खोलो पुत्र, पुनः देखो अपने हाथों पर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश, दिव्य प्रकाश। उचित है पुत्र, जो भी तुम्हें दिखाई देता है, सभी चराचर जीव और चेतन जो इस संसार में है वो इसी प्रकाश के स्वरूप है, जिन्हें मेरी माया की शक्ति से आकार प्राप्त हुआ है। अद्भुत है ये दिव्य प्रकाश, धन्य है आप महामाया। माँ महामाया, यदि सभी कुछ इस प्रकाश का ही प्रतिरूप है तो ये भी बताइए कि इस प्रकाश का स्रोत क्या है? पुत्र गणेश, इस प्रकाश के स्रोत तो महागणपति ही है। महागणपति को गणेश का कोटि कोटि नमन। गणेश, इस प्रकाश का स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, समस्त जीवन मुझसे ही है, सभी चराचर जीव मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही समाते हैं। मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ और संहारक भी हूँ। मैं ही प्रकृति हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मैं ही हूँ। मैं इंद्र हूँ, मैं अग्नि हूँ, सूर्य और चंद्र हूँ, वरुण, यम, वासुकी भी मैं ही हूँ, वैकुंठ, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, सभी कुछ मैं हूँ। मैं जल का माधुर्य हूँ, अग्नि की उष्मता हूँ, सूर्य, चंद्र और सितारों का प्रकाश हूँ, पंचभूत हूँ, समस्त देवता मैं हूँ, तो असुर भी मैं ही हूँ। तुम्हें तो ज्ञात है गणेश, तुम भी मैं ही हूँ। मैं धन्य हुआ प्रभु महागणपति। मैं ही सभी दिव्य शक्तियों का स्रोत और नियंत्रक हूँ। मैं परम आत्मा हूँ, सभी जीवों के भीतर मेरा ही वास है और मैं सबसे परे भी हूँ। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। धन्य है आप महागणपति, आपको कोटि कोटि नमन। आपके विराट रूप के दर्शन से मैं धन्य हुई। गणेश, देवी महामाया ने उचित कहा,
अपने अंतर के प्रकाश से नाता जोड़कर ही हम संसार रूपी मोहमाया से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान मुझ में लगाकर भक्ति से अपना हृदय पवित्र कर सभी मिथ्या विचारों का सम्मोहन तोड़ देना चाहिए। मुझे अपने प्रकाश से जोड़कर मेरी अंतर्दृष्टि को जागृत करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। पुत्र गणेश, कैलाश के प्रति तुम्हारे मोह के कारण विषप्रिय अपनी कपट माया से तुम्हें भ्रमित करने में सफल हुआ। उसने ऐसा भ्रम उत्पन्न किया जिससे तुम्हें लगा कि कैलाश नष्ट हो गया, जबकि सत्य तो ये है कि कैलाश कुशल यथायत है। हाँ माँ, आप उचित कहती हैं। कैलाश तो वैसा ही है जैसा पूर्व में था। मैं ही भ्रमित हो गया था। मेरा मोह था मेरे भ्रम का कारण, जिसका लाभ उठाया विषय प्रिय ने। किंतु अब मैं माया के प्रभाव से मुक्त हो चुका हूँ। हाँ पुत्र गणेश, महादेव और देवी पार्वती का स्थान कैलाश कभी कैसे नष्ट हो सकता है? वो तो प्रलय के समय भी यथावत रहेगा, किंतु असुर तो भविष्य में भी माया का ही प्रयोग करेंगे। किंतु अब माया मोह से मुक्त होकर मैं कभी भ्रमित नहीं होऊंगा। पुत्र गणेश, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जहाँ तुम्हारे नाम का स्मरण होगा वहाँ मोह माया का भ्रम कभी भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगा। धन्यवाद माँ महामाया, मैं कृतार्थ हुआ। हाँ पुत्र, अब तुम्हें अपना कार्य पूर्ण करना है, अपने अग्रज की सहायता करनी है, अपने माता और पिताश्री को दिया अपना वचन पूर्ण करना है, कैलाश को मुक्त कराना है। हाँ माँ, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह अवश्य करूंगा माँ। कल्याण हो पुत्र। जाओ पुत्र गणेश, अपनी आंतरिक प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर अपना कर्म करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अब इन असुरों के अंत का समय आ गया है। माया से मुक्ति तो मिल गई, किंतु कैलाश पर छाए इस वास्तविक संकट से तत्काल मुक्ति पाना अति आवश्यक है, जो देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति से उत्पन्न हुई है। अन्यथा कैलाश का तो अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। माया का प्रभाव किसी को भी अपने वश में कर सकता है, किंतु हमें सजग रहकर उसका सामना करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.